Hey guys, good morning, welcome to my YouTube channel, I am Rahul Comeback. दोस्तों आप सब कैसे हैं? Guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, उनका नाम जान लेते हैं और क्या कॉन्फिडेंस है, कहाँ से आती। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? ओके, और आज क्या सीखने वाली हैं आप? आज मुझे बैक करना सीखना है। चलो आज बैक करना सिखाएंगे आपको। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, गुड, ज़्यादा राइट नहीं जाना। अभी सिग्नल बंद कर दीजिए, सिग्नल जब आपने गाड़ी बढ़ाई थी तो आपको राइट का सिग्नल देना चाहिए था। क्लच दबा के सेकंड गियर करो, गुड। सो गाइस, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से प्रोफाइल। रोको जरा गाड़ी साइड में, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, हाँ बस, हाँ रोको, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल, हाँ एक सेकंड रोक लो। तीसरा है लेफ्ट दबा के, ये भी गियर में डाल दिया ना आपने, अब लेफ्ट लेके आओ, ये पहला गियर है, बहुत हल्के, नहीं ऐसे नहीं, देखो इधर देखो, अच्छा लग गया, बेस्ट लग गया, बहुत इशारे से लगता है, जाओ धीरे धीरे, हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं, हाफ क्लच, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक दबा रखा है ना आपने, अगर ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, जाने दो, गुड। हाँ स्ट्रेट जाना है, स्पीड मेंटेन करिए और क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, गुड। उस गाड़ी के हिसाब से ना इसका थोड़ा सा गियर जो है टाइट है, स्ट्रेट जाना है, हाफ क्लच पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, सीधा जाना, थोड़ा ब्रेक लो हल्का सा, हाँ रोको, पहले गियर में करो इसको, पहले गियर में जाओ, बढ़ाओ धीरे से, हाफ, आपने पहले क्लच छोड़ दिया, ब्रेक दबा रखा था, इंजन ऑन करो, पहले आपने ब्रेक दबा रखा था और क्लच छोड़ दिया जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई, बस हाफ क्लच से ज़्यादा नहीं, बस धीरे धीरे, कभी भी अगर ब्रेक दबाए, पावर ब्रेक होता है ना, डिस्क ब्रेक, अगर ज़रा सा भी ब्रेक दबाए तो आप क्लच छोड़ोगे इंजन बुझ जाएगा, जल्दी होगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक, अगले जो दोनों जो होते हैं वो डिस्क होते हैं, पिछले ड्रम होते हैं, स्पीड बढ़ाओ, जाओ रेस करो थोड़ा सा और अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, जल्दी से चेंज करो, गुड, लेफ्ट से निकालो हॉर्न बजा के, देखो ऑटो वाले को, और पासिंग डिपर भी यूज़ किया करो, ये सामने जो आपके एकदम कूद के आ रहे हैं ना अपोजिट साइड, तो इनको थोड़ा दूर से अलर्ट करो, राइट रखो, जाने दो, बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, घबराओ मत, हल्का राइट रखो, जाने दो, स्पीड मेंटेन करो, लेफ्ट वाले मिरर को बार बार आपको रिकॉल करना है, गर्दन नहीं घुमानी है। अच्छा वो कैसे देखते हैं, मुझे नहीं समझ रहा है। इशारों से जैसे आंखों से इशारे करते हैं ना, हल्की आंखें इधर टेढ़ी करी, हल्की उधर करी, क्योंकि सामने से भी नजर ना हटे और आपको अंदाजा भी लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोग जो लेफ्ट ओवरटेक करते हैं ना, वो अगर गलती उनकी और भिड़ गए तो गलती मानी जाएगी बड़ी गाड़ी की, हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती मानी जाती है, और इन सब रोडों पर अगर आपने कार चला ली ना तो समझ लो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ये सिंगल रोड है, इसमें डिवाइडर नहीं है, सामने वाला अगर ज़्यादा फास्ट है तो अपोजिट पासिंग डिपर यूज़ करो मैडम, बस एक फिंगर लगाया करो, राइट हुक खोल कर, राइट इधर टकरा जाएगी, फर्स्ट फिंगर लगाया करो, राइट हुक को देखो एकदम सामने आ रहा है, देखो ये सब आपकी लाइन में आ रहे हैं क्योंकि आप डिपर टाइमली नहीं यूज़ करती हैं, 50 मीटर 100 मीटर पहले जितनी दूर सामने बिठा रहा ब्रिज आ रही, इतनी दूर गाड़ी हो तभी आपको अलर्ट कर देना है उसको, ताकि उसको ये कन्फर्म हो जाए अगर वो गलत आ रहा है। ज़्यादातर देख रहे हो लोग लेफ्ट भाग रहे हैं एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में, जाने दो, स्पीड बढ़ाओ, जाओ रेस करो हल्का सा, इसको चलाते चलाते ना आज ये ऐसी लग रही है जैसे पुरानी गाड़ी चला रहे हो। हाँ वो तो है, ये मैनुअल है ना, तो मैनुअल का स्टीयरिंग और हर एक चीज़ थोड़ा सा टाइट रहता है, लेकिन इसको मैंने जो 14-15 हज़ार लोग सिखाई इसी से सिखाए हैं, इससे जल्दी कॉन्फिडेंस आता है, इससे इसलिए क्योंकि इसका हर एक चीज़ जो है ना थोड़ा सा टाइट है, और टाइट होने के हिसाब से जैसे कि पावर स्टीयरिंग, हल्का स्टीयरिंग काटोगे घूम जाएगी, इसको चलाने के बाद पावर बहुत ईजी है, स्टार्टिंग के 5 से 7-8 स्टूडेंट को मैं इससे चलवाता हूँ, उसके बाद फिर पावर स्टीयरिंग से चलवाता हूँ। आपने चलाई तो थी बीच में ये कंटिन्यू, वो चला, और
लेफ्ट वाले मिरर को आप अगर चेक करेंगे ना तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है, स्ट्रेट जाना है। चलो लॉन्ग हॉर्न पुश करो ऐसे चौराहों पर, लॉन्ग निकलने दो इसको, लेफ्ट आओल का चलो जाने दो, बड़ा रेस करो। सर में चक्कर ये है ना, यहाँ पे कोई कॉपरेट करता नहीं है, जिसको जहाँ से जगह मिली वो निकल गया, चाहे एल लगा लो चाहे चार एल चिपका लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। बहुत ध्यान से गुड। कौन से गियर में हैं आप अभी? सेकंड गियर। सेकंड गियर, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करिए, जाने दो और बढ़ाओ। थर्ड गियर में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सेकंड गियर की। अंकल जी थोड़ा दाएं बाएं देख लिया करो, कम से कम पहले गियर में करो। निपट जाते हैं अंकल जी, ऐसे ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग बहुत मिल जाते हैं रोड पर। बड़ा रेस करो थोड़ा सा, अभी जरा सा ऊंच नीच हो जाएगा, गलती किसकी आएगी, गाड़ी वाले की। मुड़ने से पहले ना कोई सिग्नल ना पासिंग डिपर, कहीं भी कोई भी कुदा देता है। स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करिए, चलो गियर चेंज करो, जाने दो। जाने दो, बढ़ाओ धीरे से। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, राइट साइड से देखो गाड़ी जा रही है, चारों तरफ आपको नजर रखनी है। इस साइकिल वाले को भी बचाना है, कार वाले को भी बचाना है, नजरों का ही सारा खेल है। अभी कौन से गियर में हैं आप? सेकंड गियर। गुड। लेफ्ट आओ, गड्ढे में गई गाड़ी, यहाँ बस राइट रखो। तो अभी तो गड्ढे में चली जाती ना अगर मैं नहीं टोकता तो। ड्राइविंग सीट से ना 50 से 100 मीटर पहले बिफोर प्लान करना है आपको, हल्का राइट रखो। गुड। डिपर यूज़ किया था आपने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहाँ पे डिपर यूज़ करेंगे आप? इन्हीं इसी रोड पे तो ज़्यादा करना है, डिवाइडर रोड पे थोड़ी करना है। हाँ आदत बनानी है आपको, जाने दो धीरे धीरे, जब जगह मिलेगी तभी पास देना है। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है तो हम अपनी गाड़ी गड्ढे में कुदा दें, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। जब स्पेस मिले अब दबा लो हल्का सा लेफ्ट, अब उसको निकलना है तो निकल जाएगा, बस बच्चे को अलर्ट कर दो। आराम से, हाँ जाने दो धीरे धीरे। गुड। अभी जाम लगा हुआ चौराहे पे, चौराहे पे कौन से गियर में निकालोगे चौराहे को? फर्स्ट गियर में। जाने दो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। हाँ काफ़ी रश है, ऑफिस टाइम है इस टाइम, इसी सिविक के पीछे लगाओ। क्लच दबा के ब्रेक दबा लो। हाँ इसको पहले गियर में करो, रोको, इधर छू जाएगी। मैडम देखो कहाँ दबा दिया आपने, देखा अभी लड़ जाती। स्टीयरिंग देखो कहाँ काट दिया आपने, देखो काटना चाहिए था ऐसे, नहीं काटना चाहिए था। गियर डालो पहला, जाओ हाफ क्लच पे जाओ, हल्का रेस लेके जाओ, हल्का सा पीछे जाम लग जाएगा एक मिनट में। चलो कभी भी गाड़ी रोकते टाइम स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए, स्टीयरिंग लहराने का मतलब है गाड़ी लहरा गई। स्टीयरिंग हमेशा 3 और 9 पे रखी जाती है। धीरे धीरे जाने दो, ये देखो ए ए देखा आपने क्या करा, एकदम से काट दी, बाएं दबा दिया एकदम से अंदर। ऐसे से लोग होते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। जाओ बढ़ाओ धीरे से, हल्का रेस लो, जाओ क्लच छोड़ो। हाँ बस धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं, चावल चावल गाड़ी बढ़ेगी हाफ क्लच पे। या ब्रेक का यूज नहीं करना ना मैडम, ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना। नहीं नहीं केवल क्लच से काम नहीं चलेगा, क्लच से चलेगा बट जब गाड़ी रोकोगे तब तो ब्रेक दबा के रखोगे, नहीं तो ढलान में पीछे चल। क्लच एकदम पूरा दबा देते तब भी तो गाड़ी बंद हो जाती है, वो पावर स्टीयरिंग में होता है। नहीं नहीं नहीं, वो क्लच दबाने से इंजन फ्री हो जाता है, बंद नहीं होती है वो। खाली ब्रेक जब अचानक आप दबा देते हो तब इंजन बुझ जाता है,
हमेशा जब भी गाड़ी रोकना है तो पहले क्लच फिर ब्रेक। यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कहीं से भी दबा देता। देखा आपने दो तीन बार पीछे वो बाइक वाला ऑटो वाले ने तो रख के एकदम चिपका ही दिया था, अगर आप ब्रेक नहीं मारते तो गाड़ी भिड़ गई थी। चलो जाओ, हाफ क्लच छोड़ो, हाफ हल्का रेस लो, हल्का सा रेस जाओ, धीरे धीरे खिसकाओ, धीरे 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 लेफ्ट। देखो तो रिक्शा भी है, ज़्यादा नहीं बस जाने दो, धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, हाफ क्लच पे। हाँ एक्चुअल में आपका पैर राधा जी ऊपर ज़्यादा चला जाता है, जाओ रेस करो। चलो आपकी जो पंजे हैं ना पैंडल से ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं। लेफ्ट आओ लेफ्ट, चलो जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट आओ लेफ्ट लेफ्ट, लड़ाएगा फिर वो, स्पीड बढ़ाइए। जाओ जाओ बंद हो जाएगी गाड़ी, जाओ लेफ्ट काटो, मैडम स्टेयरिंग तो काटो, जाओ जाओ रेस करो। हम कह रहे हैं लेफ्ट, तो आप राइट काट रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या कर रही हैं, लेफ्ट आओ, लड़ा देगा वो उधर। अरे हमको सीधा जाना है ना। अच्छा सीधे ही तो जा रहे हैं, तो आप राइट क्यों दबा रही हो इतना, मतलब बढ़ाओ जाओ धीरे से। जाओ बढ़ाओ नहीं घुस जाएगा सामने वाला। लेफ्ट आओ हल्का, बस जाओ धीरे 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 जाओ, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ और लेफ्ट और, हाँ जाओ खिसकाओ, किया के बगल से निकालो, जाओ 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 जाओ। हाँ बस अब राइट काटो, चलो जाओ रेस करो धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, हल्का रेस लेके, हल्का हल्का रेस लो, रेस लो हल्का, ले रही हूँ मैं, बंद हो गई, स्टार्ट करो, जाओ रेस लो। सीधी करो, सीधी 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 सीधी। आप डिसाइड नहीं कर पाते मैडम कि आपको जाना कहाँ है करना क्या है। अब गाड़ी पीछे लुढ़क रही है आपकी, आप पैर ज़्यादा ऊपर खिसका दे रहे हो, जिसकी वजह से देखो तीन तीन इंच पैर आपके ऊपर निकले हैं पैंडल पे, तीन तीन इंच, जो कि एक इंच भी पैर नहीं जाना चाहिए। जाओ बढ़ाओ धीरे से, जाओ जाओ लेफ्ट आ जाओ हल्का, हाँ लेफ्ट आओ, जाओ 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 राइट उठो हल्का, राइट राइट, हाँ बस अब राइट उठो राइट, हाँ जाओ धीरे धीरे, अब लेफ्ट का सिग्नल दो, चलो जाओ वहाँ जाना है सेंटर पे, लेफ्ट आओ। आपके जो ये पैर है ना ये ऊपर ज़्यादा खिसक जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप पैंडल को जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर निकल जाएंगे तो पैर हवा में आ जाता है, एड़ी आपकी हवा में आ जाती है, फिर वो टच फील ही नहीं आता है। और ढलान पे अगर आपने गाड़ी रोकी है तो राइट वाला पैर कहाँ होगा आपका, ब्रेक पर, तो कहाँ था ब्रेक पे, आप तो एक्सेलेटर पे रखे हुए थे तभी तो गाड़ी पीछे लुढ़क रही थी। अगर आप इस तरीके से एक्सेलेटर पे पैर रखेंगे तो पीछे एक्सेलेटर की ज़रूरत तब होती है जब हमको गाड़ी बढ़ानी है, जब हमको रोक के खड़े होना है तो वहाँ पे क्लच लेके पूरा और ब्रेक दबा के रोकना है। चलो बढ़ाओ स्पीड, स्पीड बढ़ाओ, जाओ स्पीड बढ़ाओ, हाँ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो। ये देखो लहर आ गई, 12 o'clock पे आपने पकड़ा नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। फिर ये टिप्स हैं जो अगर इन टिप्स को आप याद कर लो तो सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाए। अब होता है क्या ना, याद सब कुछ है लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सब ब्लैंक हो जाता है। अब जब मैं आपको वहाँ कह रहा था चौराहे पे रेस करो रेस करो, तो आप कह रही थी हम रेस करें, रेस कर रही थी, पर वो रेस नहीं थी जो चाहिए थी वहाँ पे। अच्छा। भाई चढ़ाई थी वहाँ पे। राइट रुको हल्का, ब्रेक लो थोड़ा सा, ट्रैक्टर निकल रहा है। राइट रुको राइट, ब्रेक लो हल्का, लेफ्ट आओ, जाओ बढ़ाओ पहले गियर में करो, इसका ब्रेक नहीं लगता, जाओ बढ़ाओ रेस करो, चलो जाओ धीरे धीरे, जाओ 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 राइट काटो, जाने दो, जाओ धीरे धीरे, हाँ बढ़ाओ स्पीड, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चेंज करो, जाने दो। अभी तक आपका देखो 20% क्लच दबा है, क्लच दबा है लेकिन क्लच दबा के रखोगे क्लच प्लेटें फूक जाएंगी। अच्छा। आपको पैंडल का टच फील नहीं आ रहा ना सही से। लेफ्ट आओ, अब यहाँ पे रोकना है, जैसे अभी आप कह रही थी ब्रेक नहीं लगता है, तो ब्रेक आप जब दबाओगी तभी तो लगेगा, आपको लगता है आपने दबा दिया बट वो दबा ही नहीं होता है। लेफ्ट आओ बस, इसके आगे रोकना है, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, बस सीधी करो, बस रोको पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, हाँ यहीं पे स्टॉप, बस न्यूट्रल करो। ये देखो कैसे ब्रेक मारा है, झटका लगा देख के खोलना भाई। अब यहाँ से राइट जाना है आपको। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।